तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग आपकी ब्लॉगर वेबसाइट या फिर आपके पास कोई वेबसाइट हो उसे कैसे आप गूगल वेब मास्टर में वेरीफाई करा सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो अगर आप जो है आपकी वेबसाइट को वेरीफाई कराते हैं गूगल वेब मास्टर में, तो ऐसे में क्या होगा, जो आपकी वेबसाइट है उसकी सर्च रैंकिंग इंप्रूव होगी, आप जो भी पोस्ट लिखेंगे वो भी सर्च में आएगी। इसके अलावा जो है गूगल में आपकी रैंकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगी। और जब भी आप वेरीफाई कराएंगे गूगल वेब मास्टर में आपकी वेबसाइट को, तो ऐसे में गूगल को पता चल जाता है कि आपकी जो वेबसाइट वो किस टॉपिक के ऊपर है। तो ऐसे में गूगल क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को उसी जगह पे दिखाता है जिस टॉपिक से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है। तो ऐसे में जो आपकी वेबसाइट पे ज्यादातर ट्रैफिक आता है वो आता है गूगल सर्च से, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होती है और आपकी जो वेबसाइट है वो खुद ही ग्रो करने लगती है। इसके अलावा जो है गूगल वेब मास्टर के बहुत ढेर सारे फायदे हैं जो मैं आपको आने वाली आगे वीडियो में बताता रहूंगा। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग आपकी वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर में वेरीफाई करा सकते हैं, वो भी आपके मोबाइल फोन से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। आपको जो है सिर्फ पफिन ब्राउज़र का यूज़ करना है, पफिन ब्राउज़र के अलावा किसी ब्राउज़र का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि मैंने जो है ब्लॉगर के HTML में कॉपी पेस्ट किया है। तो आपको भी जो है ब्लॉगर के HTML में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पफिन ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी और ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जब भी आप HTML के अंदर कॉपी पेस्ट करने जाएंगे तो वहाँ पर आपका ब्राउज़र हैंग हो जाएगा, जो कि पफिन ब्राउज़र हैंग नहीं करता है और आप इजीली इससे HTML के अंदर कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए पफिन ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको जो है आपकी ब्लॉगर वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। तो मैंने पहले से यहाँ पे लॉगिन कर रखा था, तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आपकी मेल आईडी से, तो उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो करने लगेगा। तो आपको एक पेज पे अपना ब्लॉगर वेबसाइट को लॉगिन करके रखना है और दूसरे पेज पे आपको गूगल वेब मास्टर खोलना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर प्लस का बटन है, तो इस प्लस के बटन पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा और साइड में आपका जो है इस तरीके से ब्लॉगर ओपन रहेगा। तो इस पेज में यहाँ पे ऊपर जहाँ लिखा है सर्च और टाइप यूआरएल, तो यहाँ पे आपको लिखना है गूगल वेब मास्टर, ठीक है। तो इस तरीके से गूगल वेब मास्टर आपको लिख देना है और लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद आपको पहले नंबर पे यहाँ पे गूगल वेब मास्टर देखने को मिलेगा, और अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो google.com वेब मास्टर देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ लिखा होगा ऊपर गूगल वेब मास्टर। तो आपको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप कॉर्नर में देखेंगे तो लिखा है साइन इन, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप किस मेल आईडी से जो है यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको वो मेल आईडी भी देखने को मिल जाएगी जिससे आप जीमेल में लॉगिन है, जिसे आपने ब्लॉगर लॉगिन कर रखा है, या फिर इसके अलावा जो है आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करके किसी दूसरी मेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम उसी मेल आईडी से लॉगिन करने वाले हैं जिस मेल आईडी से हमारा ब्लॉगर पे है। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल लिया और नेक्स्ट कर देते हैं, और नेक्स्ट करने के बाद ये जो है लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है यस कर देते हैं, हटाइए, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने लॉगिन कर दिया है, और लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से खुल जाता है, वेलकम टू सर्च कंसोल, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेबसाइट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप भी देखने को मिलेगा, और आपसे एग्जाम्पल के तौर पर बताएगा कि इस तरीके से आपको आपकी वेबसाइट का यहाँ पे देना है और ऐड ए प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है आपको आपकी वेबसाइट का जो है यूआरएल डालना है। तो वो कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको वापस आना है आपके ब्लॉगर पे। अब ब्लॉगर पे आने के बाद देखिए ऊपर यहाँ पे व्यू ब्लॉग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर ये देखिए ये बॉक्स है ना सर्च वाला, इस पर क्लिक करिए, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से यूआरएल कॉपी करना है। तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखिए, ठीक है, लॉन्ग प्रेस करके रखिए, इस तरीके सेलेक्ट कर लीजिए पूरा और यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद बैक कर लेते हैं, और बैक करने के बाद वापस से सर्च कंसोल में चलते हैं, ठीक है। ये सर्च कंसोल में हम आ गए, और यहाँ पे हमको सिर्फ पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखिए पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक, और पेस्ट करने के बाद ये बैक साइड से जो है स्लैश हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लैश हटा दिया, अब देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक। अब जैसे आपने ये पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद देखिए आपको जो है ऐड ए प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। डालने के बाद ऐड ए प्रॉपर्टी पे क्लिक करिए, क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद देखिए जैसे ही क्लिक किया वैसे ही आपको जो है इस तरीके से यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ऐड हो गई है। तो यहाँ पे जो है आपकी वेबसाइट तो ऐड हो गई, लेकिन इसको वेरीफाई करना है। सिंपली जो है यहाँ पे देखिए सेटिंग का बटन है, यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे लिखा है वेरिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं,
तो चलिए क्लिक करते हैं वेरिफिकेशन डिटेल पे, और यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन डिटेल, वेरीफाई यूजिंग ए डिफरेंट मेथड, और यहाँ पे ऐड ए ऑनर। तो आपको जो है इसमें से आपको यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाई यूजिंग ए डिफरेंट मेथड, तो आपको इस पर क्लिक करना है सेकेंड वाले ऑप्शन पे। क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये थर्ड नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा HTML टैग, ऐड ए मेटा टैग टू योर साइट होम पेज। तो यहाँ पे आपको जो है टिक लगाना है, टिक लगाइए, ठीक है। टिक लगाने के बाद आपको ये कोड दे देगा इस तरीके का, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इस कोड को आपको कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, प्रेस किया यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। अब इस कोड को जो है हमें अपने ब्लॉगर में डालना है, तो इसको इस पेज, ये जो पेज है इसको बंद नहीं करना है आपको, ठीक है। इस पेज को ऐसे रहने दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे शो मी एन एग्जांपल करके देख सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए हम क्लिक करते हैं, और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिखा रखा है कि HTML लिखा होगा, उसके नीचे हेड होगा, और उसके बाद आपको जो है ये जो कोड है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो इस पेज को ऐसे ओपन रहने देना है। आप चलते हैं ब्लॉगर के ऊपर, ब्लॉगर पे आते हैं, ये ब्लॉगर पे आ गए, और यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है थीम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो थीम के ऑप्शन पर क्लिक करिए, थीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, और इसके बाद देखिए आपके सामने जो है लाइव ऑन ब्लॉग आ जाएगा, और यहाँ पे ही आपका ये जो थीम है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एडिट HTML पे क्लिक करना है, क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का आपके सामने जो है HTML वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है आप पोर्ट्रेट मोड में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे बताऊँगा तो आप जो है इसमें गड़बड़ कर देंगे। तो अब जो है हम आगे की जो प्रोसेस करने वाले हैं वो पोर्ट्रेट मोड में करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं पोर्ट्रेट मोड में, और अभी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई नहीं करा पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ मैं HTML कोड को ज़रा जूम करता हूँ, ये देखिए अभी आपको कोड कहाँ पेश करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ऊपर HTML ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे टॉप पे ही आपको HTML मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे थर्ड नंबर पे HTML लिखा हुआ है, और उसके नीचे आपको हेड ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, तीन लाइन छोड़ने के बाद, HTML के तीन लाइन छोड़ने के बाद आपको हेड देखने को मिलेगा। तो कभी कभी जो हेड होता है वो HTML के साथ होता है, और कभी कभी इस तरीके से अलग अलग होता है। तो सबसे पहले ऊपर ही आपको HTML देखने को मिलेगा, उसके नीचे हेड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर आपको ढूंढना है, बीच में कहीं नहीं देना है, ठीक है। ऊपर आपको देखना है, ऊपर हो सकता है थोड़ा सा नीचे हो, थोड़ा सा दाएं बाएं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर आपको HTML और उसके नीचे हेड ढूंढना है। और जैसे ही आपको हेड दिख जाता है, उस हेड के बगल में आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रेस कर देना है, और जैसे आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये एरो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एरो आ जाएगा, और आपका कीबोर्ड यहाँ पे पफिन ब्राउज़र में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये इंटर का बटन दिखाई दे रहा है, तो इस इंटर के बटन पे एक क्लिक करना है, क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए हेड के नीचे कुछ इस तरीके से गैप हो जाएगा, तो ये जो गैप है यहाँ पर आपको वो कोड पेस्ट करना है, ठीक है। तो जो कोड हमने वहाँ से कॉपी किया था गूगल वेब मास्टर से, वही कोड हमको यहाँ पेस्ट करना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए ये काम बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। तो देखिए पहले नंबर पे ये ऑप्शन है, दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो पेस्ट का है। तो जैसे ही आप इस सेकंड नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पेस्ट वाले ऑप्शन पे, देखिए मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद देखिए ये जो कोड है ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जूम कर दिया है, और जूम करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हेड लिखा है, और हेड के नीचे आप देखेंगे तो मेटा नेम गूगल साइट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया था आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और पेस्ट करने का सिंपल सा जो है मैंने फंडा वही अपनाया है कि मैंने जो है कीबोर्ड की मदद से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आप ऐसे यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, पेस्ट ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हो तो आपका जो ये गूगल का जो ये वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको ऊपर ही देखना है HTML, और HTML के नीचे हेड, और हेड के नीचे आपको स्पेस देके, मतलब एक बार इंटर मारने के बाद ये कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसका कोई भी गैप नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए ऊपर जो है आपको सेव थीम में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये सेव होगा, ठीक है।
और सेव करने के बाद वापस से हम आ गए लैंडस्केप मोड में और यहाँ पे चलते हैं। देखिए ये हमने जो है कोड पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। सेव होने के बाद भी अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड के नीचे ये मेटा नेम गूगल साइट वेरिफिकेशन पड़ा हुआ है। तो अब जो है हमको सिंपली आना है सर्च कंसोल में वापस से गूगल वेब मास्टर में, और जहाँ से हमने कोड उठाया था वो पेज हमारा खुला ही हुआ है। और सिंपली हमें देखिए नीचे यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ऑनरशिप, और आपकी वेबसाइट का नाम दे देगा और यहाँ पे बोलेगा कंटिन्यू, ठीक है। तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। अगर आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज नहीं आता है तो इसका मतलब है आपने जो है गलत तरीके से कोड को पेस्ट किया है, तो आप दोबारा से उस कोड को रिमूव करिए और दोबारा से पेस्ट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए मैनेज प्रॉपर्टी है और यहाँ पर ये जो है आपकी वेबसाइट का नाम दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको आपकी वेबसाइट में कुछ भी देखना है तो यहाँ पे सीधे सिंपली आपकी वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये साइट मैप का ऑप्शन वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कैसे होता है। फिलहाल हम ये जो वेरीफिकेशन है उसी पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ बैक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम और करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है आपके इस लिंक पर क्लिक करना है, आपकी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करिए, क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है सर्च ट्रैफिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे इंटरनेशनल टारगेटिंग, तो आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेट स्लो है क्योंकि पानी बरस रहा है, इस वजह से जो है ये लैंग्वेज का ऑप्शन खुल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा, आप जो भी लैंग्वेज चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी सेलेक्ट करना है तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो मेन चीज़ है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, वो है कंट्री। तो यहाँ पे आपको कंट्री पे क्लिक करना है, और जैसे मान लीजिए आपको जो है आपकी वेबसाइट इंग्लिश में है और आप चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट का ट्रैफिक टारगेट करना, तो ऐसे में सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर टारगेट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आप हिंदी में लिखते हैं या फिर बांग्ला में लिखते हैं या फिर किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो यहाँ से आप किसी भी कंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है वो हिंदी के लिए है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इंडिया को चूज़ कर लेते हैं, और हमको सिंपली यहाँ पर जो है सेव कर देना है। तो सेव कर देते हैं, ठीक है। और आपको देखिए टिक मार्क लगा होना चाहिए, सेव करते हैं। और सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से सेविंग चेंजेस और योर चेंजेस वेयर सक्सेसफुली सेव्ड, और ये हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। अभी आपको जो है कुछ भी नहीं करना है, वापस से डैशबोर्ड में चलते हैं। और इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन से। और इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एडवांस यूज़र हैं तो आप इसे सिंपली कर पाएंगे, और अगर आप एक नए यूज़र हैं तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी कि आप HTML में किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है साइट मैप सबमिट कर सकते हैं और कैसे आप नया एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। तो HTML से रिलेटेड कुछ वीडियो और हैं जो मैं आपको इसी तरीके से बताने वाला हूं। तो अगर आपके फ़ोन में पफिन ब्राउज़र नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।